उस युग के जब महाराज जी सशरीर लीला में थे, देश के सब संपन्न लोग तरसते रह जाते थे, महाराज जी के दर्शन और कृपा नहीं मिलती थी। अपने घर में ही जहाँ हो आप, जो कारोबार कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहीं बैठ के पहले महाराज जी से संबंध तो स्थापित करो। महाराज जी ने तो न तो वो किसी को गुरु स्वीकारा, न किसी को शिष्य बनाया। दुनिया का युग है, महाराज जी ने पूरे विश्व को एक होने का आशीर्वाद दिया था कि ये विश्व एक दिन एक हो जाएगा। महाराज जी कहते थे माया है माया, मेरे पिताजी से पंडित, मांस का टुकड़ा है, आसमान में डालोगे चिड़िया पक्षी खाएंगे, जमीन पर डालोगे पृथ्वी चर खाएंगे, पानी में डालोगे तो जल चर खाएंगे। कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो महाराज जी की कृपा मिल जाएगी, मैंने सीरियल बना दिया तो कृपा मिल जाएगी, मैंने फिल्म बना दी तो ये मिल जाएगी, मैंने रिजॉर्ट बना दिया तो। महाराज जी को छल कपट पसंद नहीं है। महाराज जी जो हनुमान जी को पसंद नहीं है, महाराज जी को पसंद नहीं है कि आपने अपने गिरेवान में एक बार झांक के देख लें कि कहीं कोई आपसे गलती तो नहीं हो रही, कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं आप, जो महाराज जी का रास्ता है उसे भटक गए हों आप। मित्रों नमस्कार, नई पीढ़ी के लिए, नए भक्तों के लिए क्या संदेश है? हालांकि हर कथा में, हर कहानी में एक शिक्षा होती है महाराज जी की, जिसको हम समझ पाएं या ना समझ पाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल दादा के सानिध्य में बैठा हूं। परिचय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने बार आप देख चुके हैं, और अब न समझ पाए हो तो हम क्षमा चाहेंगे। तो दादा, महाराज जी का आपने सानिध्य पाया, आपने बड़ी गाथाएं महाराज जी की सुनाई, और ये हम सबका सौभाग्य रहा कि वो अनुभव मिले। लेकिन अब मानव देह लीला में महाराज जी जब विराजते थे तख्त पर, तब भीड़ हुआ करती होगी, आपने देखी है, हम तो केवल चित्र देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो अचानक, हमसे बड़ा उनका कोई भक्त नहीं है, ये भावना जगी है, तो हम चाहेंगे कि आप इस नई पीढ़ी, या मैं इस बहुत स्पष्ट कहूँ भ्रमित पीढ़ी को आप दिशा निर्देशन देने का कष्ट करें। शुक्ल जी, किसी भी पीढ़ी को दिशा निर्देशन देना, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को उपदेश देना, दिशा निर्देशन देना बड़ा कठिन कार्य है। क्यों तो कोई दे और क्यों कोई उसे स्वीकार करे। आप पिता तुल्य हैं और आपके ये सब बेटे हैं, हर तो उंगली पकड़ेंगे आपकी। हर नवयुवक, हर नवयुवती अपने जीवन की प्रयोगशाला में स्वयं जूझ रहा है। सहयोग देना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा जी जी नई पीढ़ी जी। सुझाव ये है कि पहला सुझाव ये है कि महाराज जी कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, बिजनेस प्रपोजल नहीं है। मैं चेन्नई से चला या चली, मैंने इतने रुपए खर्च किए, एयर जर्नी, ट्रेवल जर्नी, होटल, कैंची, भैया मत करो, अपने घर में ही जहाँ हो आप, जो कारोबार कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहीं बैठ के पहले महाराज जी से संबंध तो स्थापित करो। रुपए पैसे की लागत लगा के महाराज जी तक पापा होगी। अरे उस युग के जब महाराज जी सशरीर लीला में थे, देश के सब संपन्न लोग तरसते रह जाते थे, महाराज जी के दर्शन और कृपा नहीं मिलती थी, प्रसाद नहीं मिलता था, और आम जन सड़क पर नंगे पांव घूमने वाले, पंचर लगाने वाले, रिक्शे वाले, अध्यापक, क्लर्क, किसान और कुछ भी न करने वाले साधु संत, जिन्होंने सिर्फ घर परिवार परिस्थिति के कारण से कपड़े बदल लिए, चोगा बदल लिया और संत हो गए, महाराज जी उन्हें भी संत कह के सम्मान करते थे। तो आप महाराज जी से पहले संबंध स्थापित करिए। कोई महाराज जी विद्यालय नहीं है गुरु और शिष्य परंपरा का, नाट्य और संगीत अकादमी नहीं है महाराज जी गुरु शिष्य परंपरा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। महाराज जी ने तो न तो वो किसी को गुरु स्वीकारा, न किसी को शिष्य बनाया। अब आपके भाव हैं, हम भी भाव करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन सब भक्त लोग महाराज जी का पूजन करते थे, तो महाराज जी को तो पहले ये कोई क्लब की मेंबरशिप नहीं है कि गुरु जी की क्लब है और वहाँ 125 चढ़ा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब 5 इशूज लिख देता हूँ, 5 प्रॉब्लम लिख देता हूँ और महाराज जी हैज़ टू एक्ट ऑन। जुकरबर्ग के साथ किया, फलाने के साथ किया, इसके साथ किया, विराट के साथ किया, अरे भाई
ये सब अपने अपने युग के बड़े बड़े नामचीन लोग उस युग में भी आया करते थे। उस युग में आने की परंपरा ये थी, चोरी चोरी चुपके चुपके आए और महाराज जी की कृपा पाई और निकल गए, क्योंकि उनको मालूम था कि जहां उन्होंने ढोल और बैंड बजाया दर्शन तो होंगे नहीं, कुछ अहित और हो जाएगा। सो चूंकि अब तकनीकी का युग है, सोशल मीडिया का युग है, महाराज जी ने पूरे विश्व को एक होने का आशीर्वाद दिया था कि ये विश्व एक दिन एक हो जाएगा, बिना तार के तार से जुड़ जाएगा, उन्हीं की कृपा को मैं मानता हूँ। तो ये हमारा बृहत परिवार है महाराज जी का, हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। इसी परिवार के एक सदस्य के नाते मेरा सुझाव है युवा पीढ़ियों से, विशेषकर भागो मत आश्रमों की तरफ, कुछ नहीं पा पाओगी। जहाँ रह रहे हो, जहाँ अपना कारोबार कर रहे हो अपने परिवार के साथ, पहले महाराज जी को वहीं क्यों नहीं बुला लेते? बिल्कुल सही बात है। अरे महाराज जी तो आते हैं, वहीं आके थाम लेंगे, फिर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोगों के गंदे जो मंसूबे हैं उनका शिकार आप नहीं बन पाएंगे। माया, महाराज जी कहते थे माया है माया, मेरे पिताजी से पंडित, मांस का टुकड़ा है, आसमान में डालोगे चिड़िया पक्षी खाएंगे, जमीन पर डालोगे पृथ्वी चर खाएंगे, पानी में डालोगे तो जल चर खाएंगे। तो क्यों आप अपने को ऐसा इतना आराम से सुलभ बना दे रहे हैं कि कोई आपकी आस्था को भ्रमित कर दे, आपको चक्री की तरह घुमाए, और नए लोग हर दिन आके एजेंट बने कि अरे हम महाराज जी से आपका ये करा देंगे, हमारे पास एजेंसी है, फ्रेंचाइज है। सॉरी, ये सब पाखंड है। बड़ा दुख होता है कि महाराज जी पाखंड से कोसों दूर रहते थे। महाराज जी अपने भक्तों को प्रसाद खिलाते थे, आनंद देते थे, और उसकी इस लोक की और इस लोक के बाद की कल्याण की पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट लेते स्वयं थे, वो बायोलिटरल नहीं था कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो महाराज जी की कृपा मिल जाएगी, मैंने सीरियल बना दिया तो कृपा मिल जाएगी, मैंने फिल्म बना दी तो ये मिल जाएगी, मैंने रिजॉर्ट बना दिया तो। ठीक है, नीम करौली बाबा का नाम है, साईं बाबा के नाम है, तिरुपति बालाजी के नाम है, अनेकों दुकानें खुली हुई हैं देश में, टिम्बर भंडार से लेके चाय भंडार तक आपको तिरुपति बालाजी के नाम पे मिल जाएंगे। वो मनुष्यों की अपनी आस्था है, लेकिन ये आप लोग शिकार हों, युवा पीढ़ी उनके या कोई भी पीढ़ी या मेरी पीढ़ी के लोग क्यों ना हों कि हाय रे हाय राम, हम तो चूक गए, हम महाराज जी की कृपा नहीं ले पाए। अपने घर में बैठ के ले लो, सब जगह एक छोटे छोटे चित्र महाराज जी के उपलब्ध हैं, नहीं तो कहीं से डाउनलोड करिए, एक प्रिंटआउट ले दीजिए, अपने घर में महाराज जी का अपने परिवार के मुखिया की तरह से श्रद्धा भाव से उन्हें अंगीकृत तो करिए, पहले आप करके देख लीजिए, प्रयोग हैं, अपने घर में ही बैठ के करिए, भागिए मत, दौड़िए मत। जब आपका संबंध स्थापित हो जाए तो फिर बाकी चीज़ें पीछे रह जाएंगी सब, और फिर आप कैंची जाइए, वृंदावन जाइए, कहीं जाइए, नित नए आश्रम बनाइए, आप स्वयं बनाइए, मंदिर बनाइए, लेकिन भक्ति भाव से। महाराज जी को छल कपट पसंद नहीं है, महाराज जी जो हनुमान जी को पसंद नहीं है, महाराज जी को पसंद नहीं है। जितने चालाक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो महाराज जी की सत्ता में आते हैं और बर्बाद होके ही जाते हैं। नीम करौली से लेके अंत तक कहीं की कथा सुन लीजिए। अब रह गए आश्रमों के व्यवस्थापक, भाई आप लोगों से क्या कह सकते हैं, आप तो व्यवस्थापक हैं, महाराज जी के चुने हुए विशेष लोग हैं, चयनित हैं महाराज जी के, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने गिरेवान में एक बार झांक के देख लें कि कहीं कोई आपसे गलती तो नहीं हो रही, कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं आप, जो महाराज जी का रास्ता है उससे भटक गए हों आप। धन्यवाद मित्रों। वर्तमान जो स्थिति चल रही है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, आप ये समझिए ये हमारा जो एपिसोड आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा एपिसोड है कि जिसको आप देखेंगे, आप इनके विचारधारा में जुड़ेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब हम जा नहीं पा रहे, हमारे पास धन नहीं है, हम किराया नहीं कर पा रहे, तो आज सॉल्यूशन मिल गया होगा। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है,
और वो यात्रा करके आए और उनका काम नहीं बन रहा, तो भावना की बात भी दादा ने स्पष्ट कर दी। आप पूजा कैसे करें, है ना, एक ये भी होता है। तो विनय चालीसा है आपके पास, हनुमान चालीसा है आपके पास, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आप घर बैठ के इनका पाठ करिए, और इनका जब आप पाठ करेंगे तो आपकी पूजा शुरू हो जाएगी, आपका रिलेशन बन जाएगा। और दादा ने बताया कि आश्रम जाना है, आप जा सकते हो, दर्शन करो, लेकिन भक्ति भावना से करो, ठीक है ना। तो ये जो आपको सार गर्भित बातें बताई हैं दादा ने, इन पर ध्यान दें, और आप जो कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें, ठीक है ना। तो महाराज जी की कृपा भी बरसेगी और उनकी शिक्षाओं को आप प्रसारित करने में भी सफल होंगे। लेकिन अगर इन्हें आपने धंधा बनाया, तो जैसा दादा ने कहा, लोक और परलोक दोनों ही आपके हाथ से निकल जाए, चल पड़े राम।